जख्म है कैसा जो रिश्ता रहता है। गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो कुछ किया जानबूझ के नहीं किया। ऐसा अगर शादी के बाद भी ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। इस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है सायरा, क्योंकि शायद मुझे वक्त ही नहीं मिला। लाहौर में था, सोचा आके बात करूंगा तुमसे। अच्छा चलो, लेट्स ऑर्डर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी, मेन्यू ला दीजिए प्लीज। वैसे तुम लाहौर से कब वापस आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो एक्चुअली इतना बिजी था मैं लाहौर में कि फोन करना भूल गया तुम्हें। तुम लाहौर गए भी थे या नहीं, या मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं हाँ, मेरा मतलब है तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा मैं? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई बात है तो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सही हो सायरा, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ। डरता हूँ कि अगर तुम सच सह ना पाई तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा। ऐसे जिंदगी ने मुझे बहुत से फरेब दिए, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा कि मैं फाइनली कंप्लीट हो गई हूं। जिंदगी में जो होना चाहिए अब फाइनली बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन मैं गलत थी। इंसान हमेशा गलत ही होता है सारा, हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो हम चाहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। मगर ऐसन, हमारे साथ जो भी होता है शायद उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं ना। तुम कहना क्या चाहती हो, जो माजी में हुआ वो मेरी वजह से हुआ? नहीं, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हम दोनों के साथ जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम भी हैं। किसकी कॉल है? किसी की नहीं। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैं जानती हूँ डैड ने तुम्हारे साथ क्या किया था। आई एम सॉरी, मैं खुद उस वक्त बहुत मजबूर थी, तुम्हारी कोई हेल्प ही नहीं कर सकी। मैं समझ रहा था कि शायद तुम मुझे बुजदिल समझ रही होगी। बुजदिली और शराफत में बहुत फर्क होता है और मुझे इस फर्क का अच्छी तरह पता है। तुम चाहते तो डैड और भाई के खिलाफ केस भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरी खातिर ना। वो मेरी कॉल टैन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर वो मुझे सायरा से नहीं मिलवाना चाहते? लेकिन वो तो कह रहे थे कि सायरा से इनकी कोई खास फ्रेंडशिप नहीं है, तो फिर सायरा का नंबर इनके मोबाइल में क्यों था? क्या सायरा के साथ उनकी इतनी फ्रेंडशिप है कि इसकी वजह से वो अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर सकते हैं? आखिर ये सायरा है कौन और एहसन इसके साथ कहाँ है? सायरा, कभी कभी हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हम चाहते हुए भी एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते। गुजरा हुआ वक्त हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो समझ रही थी कि अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी, लेकिन जब मैं तुमसे मिली उस दिन तुम्हारे घर पर, मेरी सारी नाउम्मीदी उम्मीद में बदल गई।
कौन है जो हमें बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है? एक दफा अटेंड कर लो ना कॉल। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। कहीं नहीं, सब खैरियत तो है ना? आप हैं कहाँ? मुझे आपसे अभी मिलना है। अभी कोई जरूरी बात है तो फोन पर बता दो। क्यों, क्या इस वक्त आपके साथ कोई और भी है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मिलना जरूरी है क्या? ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर ये सायरा के साथ हैं तो मुझसे छुपा क्यों रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है तस्कीन? जी जी सुन रही हूँ। वैसे आप हैं कहाँ? ऑफिस में हैं? हाँ हाँ ऑफिस में ही हूँ, लेकिन अपने नहीं, दाऊद साहब के। दाऊद साहब के? लेकिन आज सुबह ही तो उनके साथ मीटिंग थी आपकी। हाँ वो मीटिंग सुबह हो गई थी, कुछ पेपर साइन करने रह गए थे, बस उसी के लिए आया हूँ। ओके, अगर दाऊद साहब के साथ जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए तो घर भी जल्दी आ जाइएगा, शाम को कहीं जाना है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। सॉरी, ऑफिस से कॉल आई थी। इट्स ओके, घबरा क्यों रहे हो? नहीं मैं तो नहीं घबरा रहा। अच्छा चलो पहले लंच तो कर लें। तुम्हें पता है मैंने तो शादी के कपड़े भी देखने शुरू कर दिए। मामी से भी बात कर ली है, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब तुम इन मीटिंग से फारिग हो, टाइम निकालो ताकि हम डिटेल सॉर्ट आउट करें। बहुत वक्त लग जाता है प्लान करने में, अब स्टार्ट करेंगे तभी होगी ना। जी अम्मी हम लोग आ रहे हैं। मैं तो तैयार हो गई हूँ लेकिन एहसन अभी तक नहीं आया। शुक्र है बेटा, तुम लोगों ने आने के बारे में सोचा तो सही। दोपहर को जब तुम्हारा फोन आया था ना तो मैं तो घबरा गई थी कि अल्लाह खैर करे, और तुमने जब बताया ना कि तुम लोग रात को खाना हमारे साथ खाओगे तो बहुत खुशी हुई मुझे। अब जल्दी से आ जाओ ना। अम्मी बोलते हुए भी सांस ले लिया करें, जब भी तो अब वो आपसे नाराज होते हैं, बोलती है तो बोलती चली जाती है। वाह बेटा वाह, बेटी मेरी हो और हिमायत अपने बाप की कर रही हो। आधी बेटी उनकी भी तो हूँ। अच्छा बाकी बातें अब मैं घर आकर करूँगी, मुझे ड्रेस भी तो चेंज करना है, मैं तैयार होकर आती हूँ इंशाल्लाह। ओके अच्छा जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एहसन कहाँ रह गए हो? 7:30 बज रहे हैं। तस्कीन खाना लगवा दो प्लीज, बहुत भूख लगी है। आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, बस डायरेक्ट कमरे में चला गया था चेंज करने। यानी आपको बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने क्या कहा था? सॉरी मैं भूल ही गया, वो मीटिंग में इतना बिजी था याद ही नहीं रहा। रियली? यानी आप जब से अब तक दाऊद साहब से मीटिंग ही कर रहे थे? ऐसे कमाल है, सारा दिन आप दाऊद साहब के पास ही रहे। नहीं वो असल में उन्होंने खाने पर रोक लिया होगा है ना। खैर कोई बात नहीं, बिजनेस में लंच और डिनर दूसरों के साथ करना ही पड़ता है। मैं फरजाना से कहकर आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। लेकिन खाना तुम्हारी अम्मी के साथ। आप लेट हो गए थे तो मैंने उन्हें मना कर दिया। अब हम तब जाएंगे जब आपके पास टाइम होगा। वालेकुम अस्सलाम। आज काफी देर हो गई आपको।
मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी आपका। परेशानी की कोई बात नहीं, काम है, अक्सर देर सवेर हो जाती है। Are you sure? आप किसी और वजह से disturb नहीं है? Because अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो I was expecting कि आप जल्दी घर आएंगे। अक्सर मुझे देर हो जाती है, तो मैं काम क्या करूँ कि जल्दी सो जाएगा। मेरा इंतजार मत किया करो। मैं तो अपनी खुशी से वेट करती हूँ आपका, और अगर आप पे काम का बर्डन ज्यादा है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना बर्डन तुम्हारे सर पे डाल दूं। ये तो रूटीन वर्क है मेरा। Are you sure? और कोई बात नहीं है? अगर और कोई बात होती है, तो सबसे पहले तुम्हें बताऊं। अच्छा, अच्छा आज मम्मी का फोन आया था। कैसी हैं वो? बिल्कुल ठीक हैं। आपका पूछ रही थी। तो सलाम कहना था ना? आप खुद फोन कर लीजिएगा उन्हें। हाँ, वो भी कर लूंगा, लेकिन फिलहाल आप जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। हम बाहर डिनर पे जा रहे हैं। अभी आए। ये सब क्या हो रहा है? क्या जिंदगी मेरे साथ एक बार फिर कोई नया खेल खेलने जा रही है? एक तरफ वो राहिल मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, और अब दूसरी तरफ ये सायरा। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर ये सायरा कौन है? और ऐसा इसके बारे में बताते हुए मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? Come in. विवेक खाना लगा दिया, खाना खा ले, साहब बुला रहे हैं आपको। उनसे कहें कि मैंने खाना खा लिया। कब? मैंने तो आपको खाना खाते नहीं देखा। आपसे जैसा कहा है वैसे जाकर करें ना। जी। ऑफिस से कब तक वापस आएंगे? कुछ खास है क्या आज? नहीं, पर मैं सोच रही थी हम इतने दिन से बाहर नहीं गए, तो आज मूवी देखने चलते हैं। हाँ तो ठीक है। ओके, मैं टिकट्स ले लूंगी फिर। नहीं, तुम टिकट्स मत लेना, क्योंकि ऑफिस में आज मीटिंग है, तो मैं आते हुए लेट हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। अच्छा चले, पर कोशिश कीजिएगा कि जल्दी फ्री हो जाए। चलो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज इतनी सुबह कैसे उठ गए? और तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम सारी रात नहीं सोई। हाँ, वो ऑफिस का कुछ काम बाकी रह गया था, तो उसी में टाइम लग गया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा गुस्सा करना भी जायज है। आप गलत सोच रहे हैं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं था, बस वो अचानक से काम। ऐसा हो जाता है ऐसा, जब अचानक कोई खास मसरूफियत निकल आए तो बाकी के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, आप ऑफिस में थे और फिर आपके पास दाऊद साहब का फोन आया, और आपको मीटिंग छोड़कर उनके पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने आपको लंच पर भी रोक लिया। Am I right? Of course, लेकिन हमें ऑफिस भी जाना है, लेट हो रहा है।
क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, क्यों? आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? बस दिल नहीं चाह रहा। लगता है कल दाऊद साहब ने कुछ ज्यादा ही हैवी लंच करा दिया है ना? शायद। शायद नहीं, यकीनन। अच्छा ये बताएं कि आज का शेड्यूल क्या है आपका? कोई खास नहीं, एक छोटी सी मीटिंग है, उसके बाद तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा, फिर तुम्हारी अम्मी की तरफ चले जाएंगे। आई एम सॉरी हसन, आज मेरी प्रोडक्ट की शूट है और मॉडल अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, तो आज तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम ऑफिस में नहीं हो, फोन तो तुम्हारे साथ होता है। चले हसन, कहीं आपकी वजह से मैं लेट ना हो जाऊं। आपको गाड़ी पर वेट कर। गुड मॉर्निंग, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। रायमा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम यहां पर नहीं आओगे। मैं खुद को तुमसे दूर रखना चाहता हूं। देखो राहिल, दोस्ती दोस्त के ज्यादा करीब होता है, अपनों से भी ज्यादा। लेकिन मैं जिसके साथ रहना चाहता हूं वो तुम नहीं हो, और ये बात मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। काम डाउन यार, मैं भी बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूं। तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी केयर की जरूरत है। सुना तुमने? जानना चाहते हो तस्कीन तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? वो सोचती है कि तुम एक साइको बन चुके हो, और एक ऐसा पागल जिसकी वो कभी शक्ल नहीं देखना चाहती। और तुम अब भी उसी के लिए? मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। तुम मुझे तो समझा सकते हो राहिल, लेकिन तस्कीन की सोच नहीं बदल सकते। बदल सकता हूँ अगर मैं उसकी जिंदगी से अशर को निकाल सकता हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी करना नामुमकिन है। और मैं हसन को भी। क्या तुम उससे मिल चुके हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे मिलता हूं किससे नहीं, क्योंकि अब मुझे सिवाय तस्कीन के किसी की जरूरत नहीं। ये जानते हुए भी कि वो तुमसे शदीद नफरत करती है। मुझे उसकी नफरत से भी मोहब्बत। तुम एक शराब का पीछा कर रहे हो राही, और शराब में भटकने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। चले जाओ यहां से। मैंने कहा यहां से निकल जाओ। मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ऐसा हो जाता है जब अचानक कोई खास मसरूफियत निकल आए तो बाकी के काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। सीधी सी बात है, आप ऑफिस में थे और फिर आपके पास दाऊद साहब का फोन आया और आपको मीटिंग छोड़कर उनके पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने आपको लंच पर भी रोक लिया। तस्कीन मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही थी? क्या वो मेरे लेट होने पर वाकई नाराज है? क्या रात भी उसने डिनर इसी वजह से मुझसे पहले कर लिया था? नहीं, लेकिन जब वो परेशान या गुस्से में होती है तो जानबूझकर भूखी रहती है। वो तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए दोपहर से ही बेताब थी, फिर उसने एकदम फोन करके उन्हें मना क्यों कर दिया? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? ये मुझे क्या होता जा रहा है, मैं क्यों भूल जाता हूं? यस जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ, वो सारे पेपर्स फैक्स हो गए। जी सर, पेपर्स भी फैक्स हो गए हैं और बिलाल साहब भी आ गए। बिलाल साहब? जी सर, आपने उन्हें बुलाया था ना, साइट देखने के लिए जाना है आपको। ओह हाँ, आप हमसे कह दें कि कल पे रख लें, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है सर। क्या
तस्कीन। बेटा अगर नींद आ रही है तो कमरे में जाके आराम कर लो, चाय खाने के बाद पी लेना। नहीं नहीं अम्मी, बस थकन सी हो रही है, चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सर में दर्द है तो टैबलेट ला दो। अम्मी आप परेशान हो रही हैं, आप बस यहीं रहे मेरे पास। क्या बात है बेटा, जब से आई हो बिल्कुल चुप चुप हो। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई। क्या एहसन से कोई बात हुई है, मुझे बताओ। नहीं अम्मी कोई बात नहीं, आपको वहम हो रहा है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, औलाद अपना दुख अपने आप से तो छुपा सकती है लेकिन अपनी माँ से नहीं। हुआ क्या मेरी जान, क्या एहसन ने तुम्हें कुछ कहा है? इसी बात की तो परेशानी है कि वो कुछ कहते नहीं। अरे भाई जब से आई हो अपनी माँ के पास ही बैठी, बाप को तो भूल ही गई जैसे। अबू अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपकी तरफ हो जाती। चलो तुम दोनों बाप बेटी बैठ के अपने दिल की बातें करो, मैं आपके लिए गर्म चाय बना के लाती हूँ। अब बेटा ऑफिस से आई हो, एहसन साथ नहीं आया? उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ, आप लोगों से मिलने का दिल किया तो यहाँ आ गए। अब बेटा आने वाले तो तुम लोग रात को भी थे, फिर अचानक मना कर दिया, एहसन की वजह से तो नहीं? जी अबू उन्हीं की वजह से हुआ, वो लेट हो गए थे, मैंने तो उन्हें याद भी कराया था लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहा। होता है बेटा, अक्सर होता है, जब इंसान के जहन पे ज्यादा बोझ हो ना तो वो अक्सर बातें भूल भी जाता है। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? जी अबू वो अपने नए प्रोडक्ट के बारे में सोच रही हूँ, वो उसकी शूट है ना इसलिए। यही बात है ना बेटा या कुछ और है? नहीं अबू यही बात है। जी जनाब देख लें आज 8 बजे से पहले आ गया। अच्छा कहीं और जाने का प्लान था? नहीं मेरा मतलब है वो आज जितनी भी मीटिंग्स थी कैंसिल कर दी। और फरजाना, फरजाना साहब के लिए चाय लेकर आओ। चाय पीने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं, तुम चेंज कराओ मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। क्यों क्या कहीं जाना है? ये लो फोन, अम्मी को फोन कर दो उनकी तरफ चलते हैं। मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है और वैसे भी मैं उन्हीं की तरफ से होकर आ रही हूँ। तुम उनकी तरफ थी तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मैं भी वहीं आ जाता। सोचा तो यही था लेकिन फिर सोचा कि आप अपनी मीटिंग्स में इतने बिजी होते हैं तो डिस्टर्ब नहीं किया। किसी ने कहा है कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही होता है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है, am I right? मैं समझी नहीं। मैं जानता हूं तुम उस पर गुस्सा हो, कल तुमने मेरी वजह से खाना नहीं खाया और अभी तक नाराज भी हो, अब ऐसे ही नाराज बैठी रहोगी। चलो अम्मी के घर नहीं जाना तो कहीं और चले जाते। मैंने आपसे कहा ना मेरा मूड नहीं है। घर में सब ठीक तो है ना, तुम्हारे अब्बू अम्मी वगैरह? जी आपके बारे में सब पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं उन्हें बताकर नहीं आई। मैंने 2 बार फोन किया था, तुमने अटेंड ही नहीं किया। सॉरी बातों बातों में दिल ही नहीं करता फोन सुनने का, और आपका जब फोन आया तो फोन बैग में था। इफ यू डोंट माइंड अगर एक बात पूछूं। मैंने कितनी दफा तुमसे कहा है कि मत पूछा करो, बस सवाल किया करो। जी ये तो मुझे पता है लेकिन कर भी तो सकते हैं आप, ये तो बात पर डिपेंड करता है। ऐसी बात नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती। बोलो सायरा कौन? बैठे बैठे अचानक तुम्हें आज सायरा कहाँ से? नहीं बस ऐसे ही
उस दिन जब आप सो रहे थे तो उनका मैसेज आया था, शायद आपने अभी तक उन्हें कॉल बैक नहीं किया। हाँ, नहीं कर सका, मौका नहीं मिला मुझे। रियली? मेरा ख्याल है मैं उसके बारे में तुम्हें पहले सब कुछ बता चुका हूँ। बताया था, लेकिन इतना डिटेल से नहीं। हम दोनों यूनिवर्सिटी के जमाने में एक साथ पढ़ते थे। वो काफी इंटेलेक्चुअल किस्म की थी और हम दोनों का काफी वक्त एक साथ गुजरता था। बस। ओह, तो इसका मतलब है कि आप दोनों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम थी, राइट? कह सकते हैं। बस इतना ही? हाँ। बस हम अच्छे फ्रेंड्स थे, दैट्स इट। मुझे मजीद भूख नहीं है, चाय मुझे भिजवा दें। एक बात कहूँ आपसे? कहो। मैंने नोट किया कि आप मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। करता तो हूँ। अशर, मैं सारा दिन इस तरह घर में बोर हो जाती हूँ। मेरी तो यहाँ पर कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, और आप भी जब ऑफिस से आते हैं तो बस वही रूटीन की दो चार बातें, नथिंग एल्स। आई एम सॉरी, तुम्हें पता है कि बस ऑफिस के काम से बिजी रहता हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ ऑफिस चली जाया करूँ, मेरा भी दिन अच्छा गुजर जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। नहीं, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, मैं कोशिश क्या करूँगा कि जल्दी आ जाएगा। फिर भी मेरी तो कोई एक्टिविटी नहीं है ना, मैं इस तरह सारा दिन घर पे नहीं गुजार सकती। तो तुम कुछ कर लो, कुछ पढ़ लो। हाँ, लेकिन ऑफिस ना जाऊं। अशर, मैं बाकी औरतों की तरह इस तरह घर में हैंडीकैप होके नहीं रह सकती। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी औरतें घर पे रहती हैं वो हैंडीकैप होती हैं? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बस मुझसे ये वाली रूटीन की जिंदगी नहीं गुजारी जाती। अच्छा बाबा, ठीक है, हम इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अभी जाकर हम दोनों के लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाओ और हम यहीं पे बैठ के पियेंगे। ओके। ये अंसारी साहब, मैं आपकी कॉल का वेट कर रही थी। रियली? दैट्स गुड। सारे मामले तय हो गए? ओके। अच्छा, तो आपके पास फौजिया का नंबर है? ठीक है, तो फिर आप उनसे बात कर लें, वासिम साहब से आपकी बात करा दें। थैंक यू, लाफेस। बीबी जी, राहिल साहब आप जाओ। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो दिन हो या रात क्या फर्क पड़ता है? किसी को नहीं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं अभी आपके बारे में पूछने वाला था। खड़े क्यों, बैठो ना आप। सॉरी, कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? कर तो चुके हो, फिर सॉरी किस लिए? लगता है आप दोनों के बीच कोई बात हुई है और मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। एक्सक्यूज मी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, बेहतर यही होगा कि आप हमारे जाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें। तस्कीन ही हमारे मेहमान है। हमारे नहीं, सिर्फ आपके। सॉरी, शायद मुझे ये पूछना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, वो तस्कीन का मूड सुबह से ही खराब है। I'm very sorry for that. गलती शायद मेरी है, मैं भी क्या करूं, मैं भी आदत से मजबूर हूं। एक बार किसी को दिल से अपना लेता हूं, उसकी जरा भी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। सर, डिनर करोगे या मैंने कॉफी पी? कुछ नहीं, सिर्फ मुझे इजाजत चाहिए। अरे अभी तो आए हो तुम? हाँ, वो अचानक मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा रवैया तो यही बता रहा। शायद आपका वहम। मेरा वहम नहीं है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा उखड़ा हुआ लहजा, अम्मी को अचानक से फोन करके मना कर देना, और फिर राहिल के साथ मिसबिहेव करना। राहिल का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं,
वो आपके फ्रेंड हैं तो वो, लेकिन इस घर के पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करें तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। शायद उसे दोस्त होने के नाते खामोशी की वजह पूछी थी। सो व्हाट, हम अपने घर में जो कुछ भी करें वो होता कौन है पूछने वाला। उसने मुझ पर एहसान किया और अगर तमीज के दायरे में रहते हुए भी कोई बात पूछ लेता है तो उसमें इतना रिएक्ट करने की क्या वजह है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप आ गई हैं। मुझे डर था कि शायद आप नहीं आएंगी। मेरी बेटी बुलाए और मैं ना माँ हूँ तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि एहसन से कोई बात हुई? इतनी रोमांटिक रिसेप्शन दी उसने मुझे, इट वाज ग्रेट। मुझे यकीन हो गया कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन लेकिन क्या मम्मी, वो पहले से भी बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया है, बहुत सीरियस हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है बेटा जिंदगी में। मुझे लगता है कि अब उसको पहले से भी ज्यादा मेरी जरूरत है। तुमने उससे बात की? मेरी बात तो हो गई उससे, लेकिन आपकी बात करवाना ज्यादा जरूरी है। वैसे अभी फोन करो। नहीं नहीं, इतने लंबे सफर से मैं आई हूँ, थकी हुई हूँ, और वैसे भी ये बातें फोन पर नहीं की जाती। उसे घर बुलाओ, मैं मिलकर उससे ये बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी अनपैकिंग करवा देती हूँ। फरजाना जी। सर जी। बीबी जी कहाँ? वो जी पढ़ने वाले कमरे में। स्टडी में जी? बुलाओ। नहीं नहीं, आए तो उनसे कहना मैं ऑफिस के लिए निकल गया। इतनी जल्दी नाश्ता तो कर ले। मूड नहीं है। मैं अकेली नहीं, हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे। और नाश्ता मूड के लिए नहीं, सेहत के लिए अच्छा होता है। फरजाना जल्दी से नाश्ता लगा दो। जी। जरा मेरे रूम में आइए। Yes? जी सर। आपको इस ऑफिस में काम करते हुए कितने साल हो गए? सर 2 साल। 2 साल में आपने ये भी नहीं सीखा कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर मुझसे कोई मिलने आएगा तो आप मुझे बताएंगी या नहीं? सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गई क्या? बिल्कुल। उस दिन जब मैं सायरा के साथ बाहर गया था तो तस्कीन मुझसे मिलने आई थी। आई थी या नहीं? जी जी सर आई थी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सॉरी सर, आप वापसी पर मीटिंग में बिजी हो गए थे। जब आप जाने लगे थे तो उनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। सिर्फ इन्फॉर्म किया था, पूरी बात क्यों नहीं बताई थी कि वो क्यों आई थी, मेरे बारे में क्या पूछ रही थी और तुमने क्या बताया? सॉरी सर, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन आपकी कॉल आ गई। ठीक है, तुम जाओ और आइंदा ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत। जी सर, समझ। ये जख्म